हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगर आप बैंक एस एस सी यू पी एस सी क्लैट कैट किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्टार्ट करते हैं आज की वोकेबलरी के साथ एक बार सभी लोग मुझे बता देंगे मैं सभी को ऑर्डेबल एंड विजिबल हूँ और एक बार इस सेशन को शुरू में ही लाइक और शेयर कर देंगे जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये सेशन पहुंच जाए तो सबसे पहले वर्ड पे आते हैं एंड द फर्स्ट वर्ड इज इन्वोक इन्वोक करने का मीनिंग क्या होता है इन्वोक करने का मीनिंग होता है कि आप किसी के अंदर किसी प्रकार की भावना को उत्पन्न कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं इन्वोक करना मीन्स किसी चीज को देख के आपके अंदर वो फीलिंग आ गई वो भावना आ गई मेड सम पर्टिकुलर फीलिंग और इमेजिन अ पर्टिकुलर सीन उत्पन्न करना सिनोनिम्स क्या हो गए रिकॉल कोई चीज याद आ जाना अराउस कोई चीज कोई फीलिंग मन में आ जाना दबा दबा देना, stifle, दबा देना किसी चीज़ को। तो ओपनिंग पैराग्राफ जो है क्या? मेरे अंदर भावना लेके आता है क्या सीन मुझे याद आता है कि इंग्लैंड दिखता है मुझे अर्ली मिडिल एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड अगला वर्ड है लिल्टिंग लिल्टिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है ऊपर नीचे बड़े प्यार से जाना जैसे म्यूजिक क्या करता है लिल्ट करता है ऐसे 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 गाना इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं लिल्ट करना एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया राइट ये शब्द हमारा वर्ब है रिदमिक होना होना सिंफोनिक एक प्रॉपर बीट फॉलो करना एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना एंटेनिम्स हो गए डिसकॉर्डेंट होना मीन्स कोई कहीं से चीख रहा है कोई कहीं से चीख रहा है बहुत अजीब अजीब तरीके से आवाज आ रही है कानों को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है कैकोफोनस होना मीन्स बहुत ही खराब साउंड होना ये जो कैकोफोनस है ना इसमें रूट वर्ड है कैको कैको और मैला दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है खराब बैड ईयू और बेनी इन दो रूट वर्ड्स का मीनिंग होता है गुड तो कैकोफोनस फोन रूट वर्ड का मीनिंग होता है साउंड कैको मीनस बैड तो कैकोफोनस का मीनिंग क्या हो गया खराब साउंड तो जब लिल्टिंग ट्यून इतनी प्यारी सॉन्ग ट्यून थी उस सॉन्ग की जिससे मैं मेरी स्पिरिट्स लिफ्ट हो गई मतलब मैं खुश हो गया अब यहाँ पे लिल्टिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है V1 वन प्लस आई है नाउन के बारे में बता रहा है मतलब एडजेक्टिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकती है तो ये वर्ब भी हो गया और साथ के साथ क्या भी हो गया ये शब्द आपका एडजेक्टिव भी हो गया समझ आ रहा है सभी को चलो आगे बढ़ते हैं अगला वर्ड है अटेस्ट करना आप लोग अपनी मार्कशीट्स को अटेस्ट करवाते हो एग्जामिनेशन से पहले या कहीं जॉब के लिए जा रहे होते हो तो अटेस्ट करने का मतलब क्या होता है प्रूफ देना कि जो आप दे रहे हो वो सच है वो ट्रू है वो उसमें कोई भी घोटाला नहीं है कुछ भी फेकनेस नहीं है इसको क्या बोलते हैं अटेस्ट करवाना पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया वर्ब एक्शन की बात कर रहे हैं सिनोनिम्स क्या हो गए सब्स्टेंशिएट करना कॉरोबोरेट करना मीन्स किसी चीज़ को अफर्म करना कि वो चीज़ क्या है सही है किसी चीज़ को अप्रूव करना किसी चीज़ को कंफर्म करना एंटेनिम्स क्या हो गए डिसप्रूव कर दिया नहीं भाई मैं नहीं मानता इस बात को बिल्कुल झूठी है इनवैलिडेट कर दिया गलत है एंटेनिम्स हो गए तो जो सर्टिफिकेट है वो बताता है कि जो पेंटिंग है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है बिल्कुल रियल और जेन्यन अगले वर्ड पे आते हैं फॉर्मेडेबल फॉर्मेटेबल ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिस देखो फॉर्मेटेबल के दो तरह के मीनिंग्स होते हैं एक फॉर्मेटेबल वर्ड का मीनिंग होता है कोई चीज़ जो बहुत बड़ी है आपको उससे डर भी लग सकता है और आप उससे इम्प्रेस भी हो सकते हो तो फॉर्मेटेबल एक ऐसा वर्ड है जिसको हम पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ करते हैं और जिसको हम नेगेटिव सेंस में भी यूज़ करते हैं इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो या नेगेटिव ले रहे हो फॉर्मेडेबल मीन्स आप उसके सामने बहुत छोटे हो वो बहुत बड़ा है बहुत विशाल है तो वेरी इंप्रेसिव इन साइज पावर एंड स्किल और इसलिए उस इस रिस्पेक्ट डिजर्व करता है और आप उसे डील नहीं कर पा रहे हो आप उसे डर भी गए हो तो दैट इज़ फॉर्मेडेबल फॉर एग्जाम्पल चाइना के पास क्या है चाइना हमारा एक फॉर्मेडेबल एनिमी है चाइना बहुत पावरफुल बहुत ह्यूज है सिनोनिम्स डॉन्टिंग डॉन्टिंग मीन्स आपको डरा दे इम्पोजिंग आपके ऊपर अपनी पावर थोप दे दैट इज वॉट डॉन्टिंग एंड इम्पोजिंग एंटेनिम्स ट्रिवियल ट्रिवियल मीन्स मामूली ट्रिवियल मीन्स इनसिग्निफिकेंट कोई चीज जो इनसिग्निफिकेंट हो मीन्स उसकी कोई भी वैल्यू ना हो पेटी हो पी ई डबल टी वाई मीन्स नो वैल्यू एट ऑल तो कंपनी ने एक बहुत बड़ी रेप्यूटेशन बनाई है क्वालिटी के लिए लास्ट में ए बी एल रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया पार्ट ऑफ स्पीच इज समझ आ रहा है सभी को चलो आगे बढ़ते हैं अगला वर्ड है अडेप्ट इनफैक्ट हमारे तीन वर्ड होते हैं एक होता है अडैप्ट एक होता है अडॉप्ट और एक होता है अडैप्ट ये जो अडाप्ट है ये वर्ब होता है क्रिया होता है इसका मतलब होता है आप अपने आप को किसी चीज की तरफ ढाल रहे हो मीन्स आपने क्या किया एडजस्ट कर लिया अपने आप को उस तरीके से ढाल लिया अपने आपको उस तरीके से चेंज कर लिया ये अडॉप्ट भी वर्ब होता है इसका मीनिंग होता है किसी चीज को अपना लेना किसी चीज को गोद ले लेना इसको क्या बोलते हैं अडॉप्ट करना इसका एक और शब्द होता है एम्ब्रेस करना ये जो अडैप्ट होता है ईपीटी वाला ये एडजेक्टिव होता है बाकी दोनों वर्ब्स थे ये एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग क्या होता है किसी चीज में निपुण होना किसी चीज में स्किल्ड होना किसी चीज में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है आप अडैप्ट हो वेरी गुड एट डूइंग समथिंग निपुण होना एड्रोइड और डेफ्ट इन दोनों पे डबल स्टार मार्क करो इनफैक्ट इस अडैप्ट पे भी डबल स्टार मार्क कर लो इंपॉर्टेंट वर्ड्स Antonyms क्या होगा? आप काम ही नहीं कर पा रहे अच्छे अगला वर्ड है किसी चीज को ऑफसेट करना ऑफसेट करने का मीनिंग क्या होता है किसी चीज को बैलेंस करने की कोशिश करना एक चीज को दूसरी चीज से बैलेंस करके फाइनल रिजल्ट जीरो कर देना उसको बोलते हैं ऑफसेट करना टू बैलेंस वन इन्फ्लुएंस अगेंस एन अपोजिंग इन्फ्लुएंस सो दैट देर इज नो ग्रेट डिफरेंस कि फाइनल रिजल्ट क्या आए फाइनल रिजल्ट जीरो आ जाए न्यूट्रलाइज कर दिया काउंटर बैलेंस कर दिया एंटेनिम्स क्या हो गए अनबैलेंस कर देना तो जो ट्रैवलिंग की एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो किस चीज़ से बैलेंस हो गई कि वहां पे सस्ते घर हैं तो घर सस्ते हैं तो ट्रैवलिंग में ज़्यादा कॉस्ट लग गई तो नेट इंपैक्ट क्या आया नेट इंपैक्ट जीरो आया पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये शब्द हमारा वर्ब है कोई दिक्कत किसी को एनी वन एनी प्रॉब्लम नाउ आई होप नहीं है ओके okay. अगला वर्ड है स्पटरिंग स्पटरिंग इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड इसका मीनिंग है कि आप आगे चल तो रहे हो लेकिन आप बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हो और आप किसी भी पल रुक सकते हो उसको क्या बोलते हैं स्पल्टरिंग स्पटरिंग मीन्स आप गिर गिर के चल रहे हो और आपके अंदर स्टैमिना एनर्जी ही नहीं बची है आगे बढ़ने की यू आर फॉल्टरिंग आप हॉल्ट कर जाओगे आप रुक जाओगे इसको क्या बोलते हैं स्पटरिंग इसको हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और वी वन प्लस आई एन जी है तो हम इसको एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंटोनिम्स क्या हो गया आप आगे बढ़े चले जा रहे हो एडवांस कर रहे हो प्रोसीड कर रहे हो आगे बढ़े चले जा रहे हो तो हेल्थ कॉस्ट जो है बढ़ती जा रही है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने की कॉस्ट अपनी हेल्थ को अच्छा रखने की कॉस्ट बढ़ती जा रही है और इकॉनमी क्या हो रही है इकोनॉमी गिरती जा रही है है. entrenched इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर लो entrenched मींस मन में बसा हुआ कोई चीज जो आपके मन में बसी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं entrenched मींस डीपली एस्टैब्लिश्ड इन योर हार्ट्स एंड योर माइंड्स फर्मली एस्टैब्लिश्ड एंड डिफिकल्ट और अनलाइकली टू चेंज फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों के मन में एक बात बसी हुई होती है कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हम इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते कितने लोगों के मन में ये बात एंट्रेंस्ड है बट ऐसा कुछ भी नहीं होता या बैकग्राउंड या पास्ट डजेंट डिफाइन योर प्रेजेंट आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को डिफाइन नहीं करता है तो कोई चीज़ रूटेड है कोई चीज़ इनग्रेनड है एंटेनिम्स क्या हो गए इनडेफिनिट मतलब कोई भी चीज आपके मन में बसी हुई नहीं है किसी भी चीज को लेकर आप फिक्स नहीं हो तो एन इंटरेस्ट ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो बसी हुई है मतलब जिसका बहुत फर्म होल्ड है स्टॉल स्टॉल्ड मींस रोक देना स्टॉप्ड इसने क्या किया इस ब्यूरोक्रेसी ने ब्यूरोक्रेसी मीन्स ऑफिसर्स का जो रोल होता है इसने रोक दिया इनकी कोशिशों को कि ये जो है क्या करना चाहते थे मॉडर्नाइज करना चाहते थे सोवियत सोसाइटी को तो उनको उन्होंने क्या किया रोक दिया टू मॉडर्नाइज अच्छा सोसाइटी दो बार लिख गया है टू मॉडर्नाइज सोवियत सोसाइटी तो इनकी जो कोशिशें थी उसको उन्होंने रोक दिया क्लियर मैम थ्री मंथ्स का एडिटोरियल का पीडीएफ बेटा रेडी हो गया है आज आप लोगों को मिल जाएगा डोंट वरी आज टेलीग्राम चैनल पे यू विल गेट थ्री मंथ्स एडिटोरियल पीडीएफ ठीक है चलो पार्ट ऑफ स्पीच बता दिया मैंने एंट्रेंड का पार्डो स्पीच क्या है ये शब्द आपका एडजेक्टिव है चल आगे बढ़ते हैं अगला वर्ड है एफ्लुएंट एफ्लुएंट इस पैसा ही पैसा ही। पैसा ही पैसा हो उसको ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं एफ्लुएंट बोलते हैं और क्या बोलते हैं ओपुलेंट बोलते हैं धनी होना अंबानी क्या है अंबानी इज एफ्लुएंट ओपुलेंट वेलदी प्रॉस्पेरस रिच एंटेनिम्स क्या हो गए बहुत गरीब होना पेन्योरियस होना डेस्टिट्यूट होना मीन्स बहुत गरीब होना इस वर्ड के ऊपर डबल स्टार मार्क करो पेन्योरियस बहुत बार एग्जामिनेशन में ये वर्ड आता है तो द स्टोर विल बेनिफिट स्टोर को फ़ायदा होगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे अमीर अमीर कस्टमर्स हैं जिनसे वो बाकी प्रोडक्ट्स भी बेच सकता है पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में बात कर रहे हैं एडजेक्टिव अगला वर्ड है एक्यूट एक्यूट शब्द का मीनिंग क्या है कोई चीज़ जो बहुत सीवियर है फॉर एग्जाम्पल किसी को बहुत तेज हाथ में दर्द हो रहा है तो क्या बोलेंगे आई एम हैविंग एन एक्यूट पेन एक्यूट मीन्स बहुत तेज बहुत तीव्र इसका जो रूट वर्ड है वो है ए सी आर ए सी आर का मीनिंग होता है कड़वा कोई चीज जो दर्द दे उसको क्या बोलते हैं ए सी आर रूट वर्ड बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक्रीमनी एक्रीमनी मीन्स दुश्मनी सिनोनिम्स क्या हो गए बहुत ही डीप होना इंटेंस होना हद से ज़्यादा होना एंट्रिम थोड़ा थोड़ा होना सुपरफिशियल मीन्स ऊपर ऊपर से होना अंदर गहराइयों में ना होना उसको क्या बोलते हैं सुपरफिशियल होना तो गरीबी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है कहाँ पे गाँव में तो इट्स एक्यूट इन रूरल एरियाज गाँव में बहुत ज़्यादा है पार्ट ऑफ स्पीच इज अगेन adjective. आगे बढ़ते हैं अगला वर्ड है काउंटेनेंस काउंटेनेंस का मीनिंग क्या है आप किसी बात को हाँ कह रहे हो आप किसी बात को सब, अपना समर्थन दे रहे हो अपना सपोर्ट दे रहे हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो आप उस चीज को अप्रूव कर रहे हो तो काउंटेनेंस मीन्स समर्थन देना एक्सेप्ट करना किसी चीज को अप्रूव करना एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया राइट ये शब्द आपका वर्ब है एडवोकेट करना कह सकते हैं एंटेनिम्स बुराई कर दी आपने कंडेम कर दिया डिनाउंस कर दिया क्रिटिसाइज कर दिया स्कॉन कर दिया मॉक कर दिया स्नेर कर दिया जाइब कर दिया डिस्पैरिश कर दिया बी लिटिल कर दिया इन सबका मीनिंग क्या है इन सब का मीनिंग है आपने कोई भी वैल्यू नहीं दी तो कमेटी ने मना कर दिया कि वो उसके प्रपोजल्स को अप्रूव नहीं करेगी साफ साफ रिजेक्ट कर दिया कमेटी ने उसके अप्रूवल्स को अगला वर्ड है पार्टेक करना पार्टेक मीन्स किसी चीज में एक हिस्सा बन जाना किसी चीज में हिस्सा ले लेना दैट इज वॉट पार्टेक करना एंगेज किया आपने पार्टिसिपेट किया एक्शन की बात कर रहे हैं वर्ब हो गया एबस्टेंट आप दूर हो गए उस चीज से आपने एब कर दिया शन कर दिया अवॉइड कर दिया तो तुम्हें पूछा जाएगा कि क्या तुम पार्टिसिपेट करना चाहोगे इन वेरी विग्रस विग्रस मीन जिसमें बहुत एनर्जी की जरूरत हो तो क्या उस तरह के स्पोर्ट्स में तुम एंगेज करना चाहोगे तुमसे ये चीज पूछी जाएगी अगले वर्ड पे आते हैं प्रेसिडेंट प्री लिखा हुआ है प्री का मीनिंग क्या होता है बिफोर इनफैक्ट प्री और एक और शब्द होता है एंटी ए एन टी इसका मीनिंग भी क्या होता है इसका मीनिंग भी बिफोर ही होता है एंटी का बिफोर ही होता है ना एंटीसीडेंट हाँ। तो प्री और एंटी नहीं ये वाले एंटी का बेटा मेरा मीनिंग ऑपोजिट होता है ये एंटी का मीनिंग क्या होता है ऑपोजिट बाद का किसका मीनिंग एक और वर्ड होता है फोर इसका मीनिंग भी बिफोर ही होता है एक वर्ड होता है एपी इसका मीनिंग होता है आफ्टर यस चल तो क्या लिखा हो प्रेसिडेंट कोई चीज जो किसी चीज से पहले हो उसको क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो किसी चीज का शर्मा जी का लड़का क्या है हमारे गांव के मैम सारे घरों के लिए एक प्रेसिडेंट है हर कोई उसी का नाम लेता है कि उसने क्लियर कर लिया तो तुम क्यों नहीं क्लियर कर सकते <laughs> तो प्रेसिडेंट मीन्स कोई चीज जिसने पहले किया हो वो काम और वो सबके लिए एग्जाम्पल हो एग्जाम्पलर पैराडिम एग्जाम्पल हो बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं एग्जाम्पल्स हैं लोगों को प्रमोट करने के जिन लोगों के पास क्वालिफिकेशंस नहीं पार्ट ऑफ स्पीच ये जो शब्द है ये हमारा नाउन है दिस वर्ड इज हम किसी इंसान के बारे में किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं क्लियर कोई दिक्कत एक जागर है जागरण का मीनिंग क्या होता है जागरण मीन्स टेक्निकल वर्ड तो बहुत सारे जनरल जागर सॉरी एवरीवन हाँ जी चल क्या लिखा हुआ है एम ऑडिबल एंड विजिबल तो जार्गन क्या होता है जार्गन मीन्स आ टेक्निकल वर्ड तो आज का टेक्निकल वर्ड क्या है क्रोनी कैपिटलिज्म क्रोनी कैपिटलिज्म में देखो तो क्रोनी वर्ड जो है ना ये दिखाता है बिजनेस मैन तो क्रोनी कैपिटलिज्म में क्या होता है बिजनेस मैन और गवर्नमेंट के बीच में एक साठ गांठ होती है और सरकार जो है इस तरीके से काम करती है जिससे कि इन बिजनेसमैन को फ़ायदा मिले तो इस तरह की गवर्नमेंट को या इस तरह के सिस्टम को क्या बोला जाता है इस तरह के सिस्टम को बोला जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म मींस एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच देर आर क्लोज रिलेशनशिप्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड बिजनेस लीडर्स बिजनेस और गवर्नमेंट बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन है ऐसे तरीके से जिससे कि फ़ायदा मिलता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी और अनफेयर इन्फ्लुएंस कर पाते हैं बिज़नेस लीडर्स समझ आया सभी को